Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैं हूं तावेश हाशमी. आप देख रहे हैं आना मनाया प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज एक और मैच खेला गया, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स. इंडिया ने एक बार फिर 400 बना लिया उनका तो रोज का, और नेदरलैंड्स को उन्होंने 250 रन पे आउट भी कर दिया. वर्ल्ड कप पे इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि ये मैच एक ऐसा मैच था जो सिर्फ अपने अपने प्राइड के लिए खेला जा रहा था. नेदरलैंड्स की आज वर्ल्ड कप कैंपेन इख्तिताम को पहुंची. इससे पहले कि आप लोगों से बात की जाए, सवाल उठाए जाए, आपका इंट्रोडक्शन जरूरी बनता है. मेरे पास मौजूद है द ग्रेट अब्दुल रज्जाक. इनके साथ मौजूद है स्विंग किंग आमिर, और बहुत ही प्यारे और लाउडर इमाम वसीम. यार मैं आप रज़ाक भाई 40-45 दिन से मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, कभी आप लोग झूठे मुंह मेरा भी करा दो यार. आप कराओ मेरा इंट्रोडक्शन, आप करो. सही आला अच्छा आला, अच्छा चमक पट्टी वाला है, दूध मलाई वाला कराए ना इंट्रोडक्शन मेरा. पाकिस्तान के नंबर वन एंकर होस्ट और बहुत ही जबरदस्त ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल किसी को समझ नहीं आती, सिर्फ इनको समझ आती है. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक ही तावेश हाशमी. मुझे लगा आप अभी अहमद अली भट्ट बोल दो ये. जिस तरह के अच्छा भाई ऐसा है, आज की मैच से बात करने से पहले आप लोगों ने कल क्या क्या प्रेडिक्शंस की वो देखते हैं. दिखाओ बेटा, कल सबने ही इंडिया का, और इंडिया आज जीती गई. अब इंडिया मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इतने मैचेस अनबीटन लेकर कोई सेमीफाइनल में पहुंच रहा है. इस मैच पे ज्यादा बात क्या करें, आज तो मतलब वर्ल्ड कप का लीग मैचेस कंप्लीट हो गए. आमिर आपसे एक सवाल पूछूंगा. आज मैंने क्रिकेट बोर्ड के एक साबिक चेयरमैन को ये कहते सुना कि सिस्टम चेंज करें, कप्तान चेंज ना करें, सिस्टम चेंज करें इस टीम का, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का. कप्तान चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो चाह रहे थे कि बाबरी कैप्टन रहे मगर ओवरऑल सिस्टम उन्हें डिफरेंट मिले. क्या आप अग्री करते हैं? अब आप ये सवाल ले आए तो इसके लिए आपको 10 मिनट सुनना पड़ेगा मुझे. मैं चादर लगा लेता हूं. हां बैठना पड़ेगा. यू हैव योर टाइम प्लीज. आई थिंक बुरा लगेगा कुछ लोगों को लेकिन फैक्ट्स ये हैं. ठीक, एक तरफ आप कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कप्तान को चेंज ना करें. ठीक है, सिस्टम ठीक होगा तो टीम ठीक हो जाएगी. ठीक, राइट. एग्जाम्पल देता हूँ, 92 के कप्तान साहब खान साहब थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का. 99 की टीम वर्ल्ड बीटर थी, फाइनल खेली इंग्लैंड में, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का. ठीक, 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम बनी इंग्लैंड में जाके, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का. 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टॉप 8 टीम्स होती है इंग्लैंड में, हम जीते, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का हिस्सा थे. तो फिर इससे साबित क्या हुआ? सिस्टम तो ये सिस्टम वही चलता हुआ आ रहा है. कप्तान डज मैटर. ओके, ठीक, ओके. कप्तान जो सिस्टम की आप बात करते हैं ना, सिस्टम है क्या? पहले तो लोगों को ये समझना है कि सिस्टम क्या है. सिस्टम कोई दीवार नहीं है, सिस्टम लोगों का होता है. जो 5-6 लोगों को वो जिम्मेदारी दी जाती है कि आप चेयरमैन हैं, आप चीफ सेलेक्टर हैं, आप कोच हैं, आप कप्तान हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपके हवाले है. ठीक, आप लोगों ने ये चलानी है. तो इट मींस कप्तान उस सिस्टम का हिस्सा हो गया है. आप कप्तान को अलग ना करें उस सिस्टम. ठीक है, बिल्कुल ठीक. उस कप्तान ने 4 साल कप्तानी की है इस टीम. ठीक है, उस कप्तान ने अपनी मर्जी से ये टीम बनाई है. ठीक, चलो इसको भी छोड़ दें. बटलर किस सिस्टम का हिस्सा है? इंग्लैंड का. इंग्लैंड ने क्यों बुरा खेला इस वर्ल्ड कप में? क्या उनके सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है? पिछले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान था? मॉर्गन. 2015 में जब इंग्लैंड टीम हारी, वो आया, उसने क्रिकेट बोर्ड से बात की, भाई मैं खेलूंगा अपने वे के साथ, टीम भी मैं अपने वे के साथ खेलाऊंगा, मुझे ये 25 लड़के चाहिए, कोई इंटरफेयर ना करे. ठीक, 4 साल उन्होंने कप्तानी दी, उसने वर्ल्ड कप जिताया. सिस्टम चेंज नहीं हुआ, कप्तान का माइंडसेट चेंज हुआ. बिल्कुल सही बात है, सिस्टम वही का वही है. एक मिसाल और है वेस्ट इंडीज. मैं देता हूं इंग्लैंड 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा था, कप्तान कौन था? जो रूट. सिस्टम वही है, जरा ये समझिएगा. बट आज हम कहते हैं जी इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट चेंज हो गई, कप्तान कौन है? बेन स्टोक. बिल्कुल ठीक, उसने माइंडसेट चेंज किया कि हम इस तरीके से ये क्रिकेट खेलेंगे. सिस्टम वही का वही है. बटलर इंडिया में हारा, सिस्टम वही है, कप्तान चेंज है. तो आप ये सिस्टम को ब्लेम ना करें, सिस्टम भी 50%, कप्तान भी 50%. बिल्कुल ठीक. ठीक है, तो कप्तान का माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा आपकी टीम ठीक नहीं हो सकती. जो 20 लड़के थे, सिस्टम ने कहा था कि इब्रार को नहीं खिलाओ,
सिस्टम ने कहा था कि फखर जमान को पहले मैच के बाद बाहर बिठा दो, ये सिस्टम ने कहा था, कप्तान की अपनी थॉट थी। 2009 में उस टाइम के, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हो रहा था, कप्तान लड़े थे, यूनस खान कप्तान थे, मुझे मोहम्मद आमिर चाहिए। सिस्टम के जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने कहा था कि नहीं, ये अभी बच्चा है, हमें ये वाला प्लेयर चाहिए। कप्तान ने कहा नहीं, मुझे मोहम्मद आमिर चाहिए। कप्तान लड़ के मुझे लेके गया, आज मैं मोहम्मद आमिर हूं। तो क्या हुआ? तो ये ना कोई बच्चे कि कप्तान ही माइंडसेट चेंज करता है। सही बात। तो ये जरा चीज, आप व्यूवरशिप आ जाते हैं यूट्यूब पे, एक बंदा कह रहा है जी और जी आप टोला बना लेंगे, क्रिकेटरों से पूछे कि हम क्रिकेट को कैसे ठीक करें, आपने ये मजाक बनाया हुआ। भाई आप आए हैं, आपने अंडर 19 की T20 टूर्नामेंट शुरू करवा दिया, आप अंडर 19 के बच्चों को कह रहे हैं आप T20 खेलो। तो आपकी जो पाकिस्तान टीम अभी थी, 99% आपके T20 के प्लेयर हैं। उसामा मीर T20 की परफॉर्मेंस, सदाब खान, हारिस राउफ, शहीन शाह, ये सब T20 के बॉलर्स हैं। तो आप सिस्टम को कैसे ब्लेम कर रहे हो? ठीक बात है। मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगा, 2016 में वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता, डेरेन सैमी की कैप्टनसी में, उस वक्त ये शायद बुरा बोर्ड वेस्ट इंडीज का नहीं थी, उनके पास किट्स भी नहीं थी, अगर कप्तान ने उनको ये मैच। सबसे बड़ी मिसाल, आज हम कहते हैं कि धोनी बहुत बड़ा कप्तान था इंडिया का, जी कहते जी उसने इंडिया की क्रिकेट चेंज कर दी। सिस्टम तो नहीं चेंज किया ना, क्रिकेट चेंज की अपने माइंड के साथ। सारे कहते थे ये जडेजा से कब निकलेगा, ये अश्विन से कब निकलेगा, ये फलाने से कब निकलेगा। आज हम कहते हैं जडेजा सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, वो टीम बना के दे गया आपको। इंडिया का सिस्टम, पैसा वही का वही है, वही इन्वेस्टर है, कप्तान ने वो टीम बनाई। बहुत, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, थोड़ा सा ही करिएगा। अमर ने बहुत जबरदस्त बोला है और टू द पॉइंट बोला है। ये जो बात हो रही ना सिस्टम चेंज करने की, कप्तान ना चेंज करने की, सिस्टम का मतलब है वो खुद, जी वो चाह रहा है कि वो खुद आए, ओके, वो सिस्टम का नाम ने अपना नाम रखा हुआ है, ओके जिसने ये बयान दिया है। जी जी, मैं रमीज राजा की बात हो रही है। जी जी, वो कह रहे सिस्टम नहीं, सिस्टम का मतलब है कि वो खुद आना चाहते हैं। अच्छा, वो सिस्टम है। जी जी, वो सिस्टम है। ये आप इमाद, मैं तो बहुत जबरदस्त है, वाह 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 वाह। मैं देखें, ये जो कौम है ना हमारी, इसको आप उस तरफ मत लेके जाएं और सच्चाई बताएं, फैक्ट्स बताएं। हम लोग यहाँ फैक्ट्स बताते हैं, हम लोग घुमा फिरा के बात नहीं करते। शायद हम आपको बुरे लगते होंगे लेकिन हम खेलते भी ऐसा ही हैं, कौम के लिए और अपनी टीम के लिए, और बोलते भी ऐसे हैं। तो हम व्यूअरशिप के लिए नहीं खेलते। आज अगर मैं झूठ बोल के व्यूअरशिप ले लूँ या अच्छा लग जाऊँ ना, तो उसमें मेरा भी नुकसान है और कौम का भी नुकसान है। तो ये फैक्ट बताएं व्यूअरशिप के लिए, उसके लिए किसी की वो ना करें जी वो अच्छा है उसको रहने दें, ये नहीं करें, जो फैक्ट है आप उस पर रहें। एक और मैं फिर आपको वो चैंपियन ट्रॉफी की मिसाल दूंगा। मैं इंजर्ड हुआ, मुझे बैक स्पैज़म हुआ, मेरी जगह रोमान खेले सेमीफाइनल, ठीक उन्होंने किया, सेमीफाइनल में परफॉर्म किया, फाइनल में मैं फिट होके आया। मिकी ने कहा और सैफी भाई ने कहा नहीं हमारा मेन बॉलर है ये फिट है, यही फाइनल खेलेगा। क्या उनको सिस्टम ने कहा था कि नहीं आमिर को बिठाओ और रोमान को खिलाओ, या रोमान को बिठाओ आमिर को खिलाओ? क्यों? ग्राउंड में उनका माइंडसेट था, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मुझे खिलाया था, अल्लाह ने मेरे से परफॉर्म करवाया, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिस्टम वाली बातें ना करो मसूद भाई, तुम मत करो। आमिर भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा आर्गुमेंट सेट किया आपने, बहुत अच्छा आर्गुमेंट सेट किया। मैं इस आर्गुमेंट की इस देने के स्टाइल पर आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरह आपने अपने फैक्ट्स फिगर्स और अपने आर्गुमेंट को रखा, वेरी वेल पुट। देखें बात जो भी कोई करता है ना इस तरह, वो दिल से बात करता है, ठीक बात, और दिल से बात जब भी कोई निकलती है ना और सच और हक की बात होती है, अल्लाह भी साथ देता है और लोग भी सुनते हैं, ऐसा ही। तो हम लोग जितने भी मर्जी आप लोगों के सामने, आप लोग जो मर्जी बोलते रहें, जो भी एक्स वाई जेड फैंस जो भी कहते रहें, लेकिन हमारी जो जॉब है ना वो आपको सच बताना है। बहुत सही। तो ये ऑन द कार्ड्स था, हम आपको पहले कह रहे थे और ये हो गया, ठीक। तो जब ऑन द कार्ड्स होता है हम आपको बताते हैं, आप हमें बुरा कहते हैं या हमारे लिए कहते हैं, सारे लड़के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत सही। लेकिन वनडे और T20 क्रिकेट को चेंज करने वाला कोई इंसान चाहिए। अगर आप ऐसी ही खेलते रहेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अगले 8 साल जो भी वर्ल्ड कप है आप नहीं जीत सकते। अच्छा आमिर, आमिर इमाद और रजाक भाई, आप तीनों ने एक प्रॉब्लम जरूर आइडेंटिफाई कर दी मगर इसका सोल्यूशन नहीं बताया। अगर बाबर कैप्टन नहीं है, कोई और कैप्टन बनाए, तो हमारे पास क्या है, क्या स्टॉक? सोल्यूशन आप सारे यही बात करते हैं, टीवी भी बैठे सारे इधर उधर भी, कि यार उसको चेंज कर दो, उसको ले आओ, उसको ले आओ। सोल्यूशन आपका माइंडसेट है। आप जब तक डर से गेम खेलोगे,
व्हाइट बॉल क्रिकेट, इवन रेड बॉल क्रिकेट भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि अगली टीम्स, मुझे ये बताएं, अगली टीम्स, हर टीम ने कम से कम 390-400 एक बार की है, आपकी टीम करीब भी नहीं पहुंची सिवाय श्रीलंका वाले मैच, और आपने एक मैच अच्छा खेला, वो भी एक बंदे की वजह जिसके हम पिट रहे थे, उसके अलावा आपने अच्छी टीम से एक मैच करीब भी नहीं गए। तो ये आप लोग आंखें खोलें आज के दिन कि अगर हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है। जब हम 2019 तक खेले थे तो हम लोगों ने सब टीमों को हराया था, हम हारे भी थे नो डाउट, लेकिन हमने हराया भी था। तो हमारी टीम वो होनी चाहिए कि हम जाए ना तो हमें फेथ हो, यार टीम देख के बता रहे यार फखर खड़ा है, यार बाबर खड़ा है, या कोई भी रिजवान खड़ा है, तो ये मैच जिता के आएगा, बस ये पॉइंट। अच्छा, मैं एक एज ए अवाम के पर्सपेक्टिव से एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, और आपके ज्यादा इमोशंस हैं, हम सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि यू आर अटैच्ड टू द टीम। 15 बिलियन रुपीज का बजट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, 15 अरब रुपए का इस गरीब मुल्क में। उसके अलावा हर क्रिकेटर जो ए कैटेगरी में है उसको मेरे ख्याल से गालबन 45-40 लाख रुपए महीना तनख्वाह, 60 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। $55 मिलियन का पीसीबी का बजट है। अगर इसको कंपेयर किया जाए हॉकी से, स्क्वाश से, फुटबॉल से, तो उनका बजट ऐसा है कि फुटबॉल की टीम उधार लेकर जाती है मैच खेलने, हॉकी के प्लेयर्स उधार लेकर जाते हैं मैच खेलने। हमारी क्रिकेट टीम में हम गरीब मुल्क हैं बेशक, सारा इन्वेस्टमेंट पीसीबी के अंदर हुआ हुआ है। ये गुस्सा जो आ रहा है ना, या जो फ्रस्ट्रेशन है, वो ये नहीं है कि हम किसी अगेंस्ट बोल रहे हैं, एटलीस्ट एक्सेप्ट करो कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, एक्सेप्ट दैट। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लो। हाँ जी, 4 साल मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, आई थिंक मैं डिलीवर नहीं कर सका मुझे जिस तरह करना चाहिए था, फेयर इनफ। एक वो क्या कहते हैं, एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं यार मैं नहीं डिलीवर कर सका, लेकिन इस तरह आके गलत बातों पे डिफेंड करना किसी चीज को, ये गलत चीज है। वेरी नाइस, अब जरा माहौल ठंडा करते हैं, पॉइंट्स टेबल देखते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल पॉइंट्स टेबल हमारे पास है, पाकिस्तान 5वें नंबर पे खड़ा हुआ है, और अगर इस पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो पाकिस्तान का 5वां नंबर इतना बुरा नहीं है, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप दी है उसके बावजूद 5वें नंबर। देखें, बात यह है कि आप इसमें श्रीलंका की टीम, नीदरलैंड की टीम, बांग्लादेश की टीम और अफगानिस्तान की टीम, इंग्लैंड भी है, नहीं ये अफगानिस्तान की 4 टीमें तो साइड पे कर लेना, तो फिर बनाओ किस नंबर पर आ रहा है पाकिस्तान, 5वें नंबर, सेकंड लास्ट, बाकी रह के गया अफगानिस्तान को, नहीं बाकी 4 टीमें निकाल दें बीच में, 6 में से 5वें नंबर पे आई, वेरी गुड। तो रजाक भाई ओवरऑल भी हमारे क्रिकेट भी तो ऐसी है ना? नहीं बात वो नहीं है, बात आपने टीमें देखना, स्टैंडर्ड देखना है ना आपने। आप क्रिकेट देखें, आप देखें, आप न्यूजीलैंड अगर पूरा मैच हो जाता जीत जाते, कोई वो नहीं, उसके अलावा आप मैच उठा के देख लें, आप करीब आए, आप मुझे फैक्ट बताएं, आप करीब आए थे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका करीब आए, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था हमने, कितने रन से हारे थे हम, इंडिया से हम किस तरह हारे, इंग्लैंड, इवन इंग्लैंड सबसे बुरी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड से हम किस तरह हारे। देखिए तरीका होता है, आप लोग साउथ अफ्रीका वाले मैच खेलते हैं या उसके करीब करीब, हम कहते हैं अनलकी रह गए यार, लेकिन जब नहीं है तो आप सिस्टम को उधर इधर उधर सब जगह शुरू हो गए, आप ये नहीं देख रहे जिन्होंने टीम बनाई है, जो टीम लेके गए हैं, जिस बंदे ने टीम लेके गया वो अकाउंटेबल है, मैं और आमिर और रजाक भी अकाउंटेबल तो नहीं है। बस सही बात, अब मैं बात करूंगा इन लोगों से, इनके पास इनके दर्द सुनूंगा मैं। किसके पास है पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हसन मलिक मेरा नाम। हसन क्या कर रहे हैं आप? मैं बैंकर हूँ जी। बैंकर हैं? जी जी। डिपॉजिट कीजिए जी। मेरा तीनों से सवाल है कि पाकिस्तान के अलावा आपको किस मुल्क में खेलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं? मुझे पर्सनली इंग्लैंड में ऐसा लगा, इंग्लैंड काफी सपोर्टिव है हमारे, पाकिस्तान में काफी सपोर्टिव, स्पेशली मैनचेस्टर वगैरह में तो काफी, बिल्कुल। रजाक भाई आपको ऐसा कहां लगा है कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ? दुबई, दुबई में खेल रहे ऐसा लगा है। दुबई भी है, सॉरी दुबई भी है। अगला कौन है? आप है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? आयशा मकबूल। आयशा आप क्या करती? मैं इफ्तिखार एजुकेशन सिस्टम की सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ। सीनियर कोऑर्डिनेटर जी। आप सीनियर क्रिकेटर से क्या सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने तमाम प्लेयर्स को वेलकम करती हूँ कि हमें उन्हें लाइव देखने का शरफ मिला। वाह, और अगर आप कहती हैं तो इधर आके बैठ जाएं। नहीं नहीं रजाक भाई, वो आपको जिंदा देख के बहुत खुश है उनको ये बड़ी उम्मीद लेकर आई है। सर मेरा क्वेश्चन तो सर से था, लेकिन काफी लोगों ने यही सवाल कर दिया कि आप रिटायर क्यों हैं, रिटायर क्यों हैं, तो मैंने कहा मैं अपना क्वेश्चन किसी और प्लेयर से कर लेती हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो अमाद वसीम सर से है। तो क्वेश्चन ये है कि आप कब तक रिटायरमेंट चाहते हैं? अभी दे दूं? अच्छा अभी तक तो हम आपको आगे तक देखना चाहते हैं। देखें
मैं कभी भी लाइबिलिटी नहीं बनूंगा किसी भी टीम पे। अगर मुझे लगा कि मेरी वजह से टीम को नुकसान है या मैं ओल्ड हो गया हूँ या मैं लोग भी इवन मेरे टीममेट्स भी कहना कि नहीं यार बस ठीक है, मैं उससे पहले छोड़ना चाहता हूँ हाई नोट पे। गुड, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया भर की लीगों में परफॉर्म कर रहा हूँ और इसी तरह करता रहूँगा, जब मौका मिलेगा कोशिश करूँगा कि दिल से खेलूँ, परफॉर्मेंस तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो क्रिकेट है उसको क्रिकेट की तरह ही खेलें। वेरी बहुत अच्छा, बहुत बस मैडम हो गया, ठीक है मैं बात करूंगा। अगला कौन है, अगला कौन है? बात करूं आपका, आपका है, किसके पास है? आप इधर खड़ा होना पड़ेगा मैडम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम सफदर। मरियम, अरे वाह 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 वा। मैडम आप सवाल ही पूछ ले, आप डायरेक्ट सवाल कर। ये आप क्या, ये कौम आप क्या हुआ? ये सेट आपका हुआ। चलो चलता हूँ, दुआ में याद रख। चलो मैडम करें। मेरा सर अब्दुल रजाक से सवाल ये है कि मैं एज ए वुमेन अगर क्रिकेटर बनना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? रजाक, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एलसीसी ग्राउंड में काफ़ी नेट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस भी करती हैं। आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और प्रैक्टिस वगैरह करें तो ये ट्रायल वगैरह होते रहते हैं, तो आप किसी वक्त भी ट्रायल दें और अगर अच्छे हैं तो फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। वेरी नाइस, थैंक यू रजाक भाई। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सुमेरा। आप क्या करती हैं? टीचिंग। आप टीचिंग करती हैं, पढ़ाई है। सर मेरा सवाल सर अब्दुल रजाक से है कि अगर कोई बच्चा कैरियर अपना क्रिकेट में देखता है और मतलब कि उसको आगाज़ करना चाहता है लेकिन वो कोई एकेडमी या क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन है? जी ऑप्शन ही ऑप्शन है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्लब्स ऐसी हैं जो कोई पैसे नहीं लेते। हाँ आपकी हार्ड वर्किंग या आपको पोटेंशियल होना चाहिए, आपको शौक होना चाहिए खेल। रजाक भाई नाम लेते हैं एक दो क्लब्स का, बच्चों की मदद हो जाएगी। देखिए पी एन टी जिम खाना है, ठीक है, और फेज सिक्स में है गनी ग्लास, वो उनका अच्छा, है अच्छा, और नवाब की ग्राउंड्स भी हैं, वहाँ पे भी क्लब्स हैं। जितनी भी क्लब्स हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जाएंगे तो आपसे वो पैसे नहीं चार्ज करेंगे। आप रजाक भाई का नाम ले देना, रजाक भाई ने भेजा है। रजाक भाई, हम लोग को रजाक भाई ने भेजा। अगला कौन है, कौन है, नजर नहीं आ रहा कौन है? भाईजान आप थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सवाल कोई? आमिर भाई मैं आपका जो है बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मुझे आप ये बताएं कि आपको कोई भी टीम छक्का या चौका मारती है तो आप गुस्से में विकेट क्यों उठाते हैं उनकी? विकेट क्यों उठाता हूं? आउट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, क्या करें बेटा, आउट करेंगे और क्या करेंगे, और क्या उनसे मार खाता रहूं। मोहब्बत वाला सवाल था, मोहब्बत वाला। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल चाल है? मैं भी बढ़िया, आपका क्या नाम? ठीक ठाक है। अच्छा जी मेरा क्वेश्चन है आप तीनों से कि जब पाकिस्तान की टीम बहुत बुरे तरीके से पीट रही होती है, ठीक है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है, कि आप क्या सोच रहे होते हैं कि हम बैट्समैन को मतलब कि क्या गुड्डी डाल रहे होते हैं भाई? अबे दुख भी होंगे, क्या सोच रहे होंगे इस बात पे, क्या सोचेगा बंदा? डिस्कस करता है बंदा कि नहीं आई थिंक मेरे लिहाज से यहाँ पे फील्डिंग होनी चाहिए। टीम प्लान, टीम प्लान तो होती है, टीम प्लान होता है, कोई भी कुर्ते ही होंगे। हाँ कोई भी बैट्समैन अगर अच्छा खेल रहा होता है तो उसके बारे में हम टीम प्लान पहले से करके आए होते हैं कि अगर वो खेल गया तो उसको कहाँ बॉलिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है साहब? मुदस्सिर मदनी। आप क्या करते हैं मुदस्सिर भाई? जी बिजनेसमैन हूँ। क्या लगा रखा है आपने? मोबाइल की शॉप है। आपकी मोबाइल की शॉप है जी। मेरा सवाल है इमाद भाई और आमिर भाई से, जब आपको ओवर में सिक्स लगता है तो आपकी क्या फीलिंग होती है तब? लुक नहीं डाल नहीं, जब आप प्रोफेशनल होते हो उसमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कभी अच्छा शॉट आपको पड़ सकता है या कभी आप आउट कर सकते हैं, तो ये गेम का हिस्सा है। कोशिश ये होती है कि बैड बॉल ना दिया जाए, अच्छे बॉल पे अच्छा शॉट मारे तो बेटर। ठीक है अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खड़ो जाना पड़ेगा, खड़ो होना पड़ेगा। क्या नाम है? जुनैरुल हसन। जुनैरुल हसन, सवाल पूछोगे जुनैर? मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि अगर कोई भी प्लेयर रिटायरमेंट लेना चाहता हो तो पीसीबी उसे रोक सकता है? अरे ये अच्छा गहरा सवाल है, रोका जा सकता है पीसीबी का अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल रजाक भाई आपने रिजाइन किया और चेयरमैन ने कहा नहीं नहीं रजाक ये नहीं हो सकता, रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट। देखिए 92 का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले इमरान खान साहब ने रिटायरमेंट ली हुई जी, तो
स्पेशली प्रेसिडेंट साहब ने रिक्वेस्ट की थी आप खेलें। हाँ, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे या किसी भी का चीफ अगर चाहे तो ये कर सकता है। अच्छा, जैसे हर इदारे में बंदा या रिजाइन करता है, रिटायरमेंट लेता है, तो एक अप्रूवल प्रोसेस होता है। अगर आपके आला अधिकारी ने अप्रूव नहीं किया तो रिटायरमेंट नहीं होती। नहीं, ऐसा क्रिकेटर के लिए ऐसा नहीं होता। अगर आप रिटायरमेंट आप लेना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, अगर आपको कोई बड़े चेयरमैन हो गए या कोई बड़े हो गए वो बोले तो आपकी फिर भी मर्जी है कि आप खेलना चाहें कि नहीं। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड जरा खामोशी इख्तियार कीजिएगा, मैं आमिर आपसे पूछूंगा, जब आपने रिटायरमेंट किया तो सिर्फ वीडियो बनाई थी या कोई खत भी लिखा था? खत नहीं लिखा था। मेरी बात चल रही थी उस टाइम जब वो थे, सीईओ थे वसीम खान। जी जी, वसीम, मैंने उनको बता दिया था। बस कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है ना? यानी अगर अदालत में सबूत देना हो कि आप रिटायर नहीं हुए हो तो मैं केस कर सकता हूँ ना आपको? कल मैं जाके करूंगा केस। भाई रिटायर ही नहीं हुए तो बातें सारी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। है कहाँ बेटा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा नहीं, मैं टीचर हूँ। आप टीचर होंगे सर, मैं समझा, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे। क्या पढ़ाते हैं सर आप? जी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस वक्त मुझे इमाद और आमिर से गुजारिश करनी है अपने तमाम दोस्तों की तरफ से। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जो कि लोग शायद नहीं देखना चाहते, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियोस लोग देखना चाहते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट से वापस आएँ। रजाक भाई से क्यों नहीं कहा? और रजाक भाई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं इनका, हमेशा इनकी क्रिकेट को फॉलो किया और इनकी तरह खेलने की कोशिश की। आपसे ये सवाल है कि सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त आपके जैसे ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमाद वसीम खेलते थे तकरीबन आपके जैसा, आपके जैसा तो मतलब आपके जैसा नहीं, फंस गए सर, फंस गए, बात हुआ, फंस गए अपनी, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश करते थे आपके जैसा। तो अगर आपको कोच बनाया जाए तो आप अपने जैसा ऑलराउंडर प्रोड्यूस करेंगे, और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप जो है वो पीसीबी पे ये ओहदा कबूल करेंगे कोचिंग का? देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन इतनी को खास नहीं है। हमने पाकिस्तान टीम को देखना है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना है, और जो नीचे लेवल है, अंडर 19 का हो गया, अंडर 21 का हो गया, अंडर 16 का हो गया, यहाँ पे जो है प्लेयर वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद डोमेस्टिक में, और जैसे इंग्लैंड का सिस्टम है ना, कोशिश करेंगे कि कीप इन आई, प्लेयरों पे नजर रखी जाए बोर्ड की। ये आपको शर्त नहीं रखेंगे रजाक भाई कि मुझे ये पावर चाहिए, ये अथॉरिटी चाहिए, ये गाड़ी, ये पैसा? नहीं, कुछ नहीं रखोगे आप। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दोस्त? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। नाम? अली हसनैन। सवाल? ये मेरा सवाल आप तीनों से है कि आपका अपने करियर में किसका क्रिकेटर का दिल चाहता है कि आप उसकी विकेट लें, और आपका दिल करता है कि मैं उसकी विकेट लूं? अपने करियर में आपका किस प्लेयर का दिल करता है? रजाक भाई, सबसे ज्यादा आपकी विकेट किसकी तोड़ने का, यानी कि विकेट लेने का दिल चाहता था? देखिए, बड़े जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में थे रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, इंडिया में तेंदुलकर हो गया, सहवाग हो गया, और श्रीलंका में जयसूर्या, ये ऐसे बड़े नाम थे कि ये बिल्कुल किल कर देते थे बॉलर्स को ना। जब ये इनकी विकेट आप लेते तो टीम को बड़ा इसके बेनिफिट होता है इसका। अच्छा, कौन सी विकेट ऐसी है जो लेना चाहते थे ले नहीं पाए? विकेट? हाँ, कोई ऐसी कि यार मैं इसको आउट करूँ, कभी जिंदगी में नहीं आउट कर पाया? नहीं, क्रिकेट है इसमें तो आज अगर आज नहीं है तो कल ले लेंगे विकेट। रिटायर हो चुके आप, कैसे लोगे? नहीं, आप कल कैसे लेंगे, मुझे आप क्लियर करें। ऐसा नहीं होता कि क्योंकि ये लोग, हम लोग सारे खेलते हैं, विकेट तो किसी को आउट करेंगे किसी को नहीं। जो मुझे मजा आया था विकेट लेने का वो एबी डिविलियर, और वो अल्लाह की तरफ से ही आउट हुआ था क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, और वो जिस तरह खेलता था और जिस वक्त की सिचुएशन में उसको आउट किया, तो होता ही है कि समटाइम्स आपकी दुआ होती है आप आउट करो, और जीरो पे आउट किया, ये बड़ी बात है। खवातीन हज़रात, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हारने मनाए कहीं नहीं जाएगा। वक्त आ चुका है एच एम एच कप खेलने का, माहौल को ठंडा करने का। इस वक्त तक इमाद वसीम एच एम एच कप लीड कर रहे हैं। आज जो है वो एच एम एच कप संडे का दिन है, तो बोनस राउंड है, हर सवाल के डबल पैसे, माइनस वही 10, और वो भी डबल होंगे, माइनस 20 होंगे। ठीक है, तो पहला राउंड है 360 डिग्रीज, इसमें देने एस्टिमेटेड आंसर, जिसका सबसे करीब होगा वो जीतेगा। पहला सवाल, साबिक क्रिकेटर सईद अनवर ने टेस्ट करियर में कुल कितने रन बनाए? रजाक भाई आपसे स्टार्ट होगा, आज आपसे स्टार्ट होगा। कल भी मेरे से हुआ था। एक सवाल आपसे स्टार्ट होगा, बाकी उनसे स्टार्ट होगा। 8,500 के करीब। 8,500? हाँ जी। 8,501। यार ये क्या बात है यार, ये इस गेम की खूबसूरती है, दिखाओ बेटा सही जवाब।
4552 आमिर ने सबसे करीब आंसर दिया 4552। अगला सवाल, जियो टीवी नेटवर्क किस सन में शुरू हुआ? जियो टीवी नेटवर्क किस सन में शुरू हुआ? मुझे पता है। 2000 शुरू कभी भी हुआ, हिट तो अभी हुआ। 2005 रजाक भाई इधर 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 थे ना, पहले मैं था, मैंने सेकंड बताया था मैंने पहले बताया था ना, तो अब आप था ये सेकंड आएंगे ना, अगला मैं पहले बताऊंगा ना। ना 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 आमिर भाई आप समझा दो यार, आप छोड़ो बड़े। 2003 अब आप हुंदसो। 2000 दिखाओ बड़ा सही जवाब। 2002 आमिर। यस यस वक्त आ चुका है डेथ ओवर का। ऐसे करते मुझे तो पता है। रजाक भाई वक्त आ चुका है। ये गलत है, ये गलत सवाल। मजाक हो चुका है, वक्त आ चुका है डेथ ओवर का। चार ऑप्शन आएंगे, सही जवाब है बजर दबाना है, -20 होंगे गलत पे। दिखाओ पहला सवाल, किस फिल्म को 11 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हाँ जी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। LOTR को 11 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। कोई चैलेंज कर रहे हैं तो 5, 4, 3, 2, 1 सही जवाब है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये किसने बताया? रजाक भाई हर आपके सही जवाब पे एतराज क्यों उठता है, मुझे ये बता दो। सही था ये, मुझे भी ये बता दो। चलो भाई अगला दिखाओ, किस गैर मुल्की खिलाड़ी ने PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए? फिर दबा दिया मैंने। अर्थ बताओ। रोसो। रियली रोसो? कोई चैलेंज करेगा? नहीं। 5, 4, 3, 2, 1 दिखाओ बड़ा सही जवाब। रियली रोसो। रजाक भाई +20 ये पीछे से हुआ बताया। चलो इस पे तो कोई बात ही नहीं, आगे चले। अगला सवाल, सब पता सब मालूम। सर सैयद अहमद खान ने किस नजरिए को फरोग दिया? दोबारा लिबरलिज्म, टू नेशन थ्योरी, सेक्युलरिज्म या नन ऑफ दीज। दबाओ। हाँ जी मैं बता दूं, मैंने पहले बताया। टू नेशन क्या? हम इमाद ने पहले बताया टू नेशन थ्योरी। रजाक को चैलेंज 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 इन्होंने बोला टू नेशन थ्योरी, चैलेंज कर रहे हैं। वही है, वही है चैलेंज। 4, 3, 2, 1 नहीं कोई चैलेंज करने पे आ रहे? आई थिंक सी। दिखाओ बेटा। -20 तबाह हो गए आप। अगला दिखाओ। ये कौन है बैट्समैन? ये मायर है ना, काइल मायर। मायर है। बी ऊपर मारी होगी। सी। बी। हाँ बी। सही जवाब। 5, 4, 3, 2, 1 कोई चैलेंज नहीं है। दिखाओ बेटा सही जवाब। इज द राइट आंसर -20 माधुसी। ट्रायंगल ही भाई वो है सच में। अगला सेगमेंट स्वेच्छित, दो तस्वीरें मिक्स होकर आ रही हैं, आपने अलग अलग करके पहचाननी है। दिखाओ बेटा। सबसे पहले इमाद वसी। इंजी भाई। हाँ और हैं इंजी भाई 99 के वर्ल्ड कप। टाइम नोट करो। टाइम 1, 2, 5, 4 चैलेंज करने हैं। नहीं नहीं। 2 मजातुल्ला वास्ती। 1 इंजाम उलक एंड मजातुल्ला वास्ती। दिखाओ बेटा सही जनवर एंड इंजाम उलक। -20 सही भाई कहां से है? अगला दिखाओ बेटा। उमर अमीन राव इफ्तखार दिखाओ बेटा। उमर अमीन एंड राव इफ्तखार। ये बताया हो किसी ने? अल्लाह की कसम नहीं बताया। राव इफ्तखार आजकल क्या कर रहे हैं इमाद भाई? एनसीए में कोचिंग कर रहे हैं। एनसीए में कोचिंग कर रहे हैं। उमर अमीन और इनका काफी अच्छा बना है। दिखाओ बेटा। आ चुका है फ्री हिट, अपने अपने नंबर चूज करें। आज इमाद भी 20। आज इमाद अपना पहला चूज करें। आज भी उसके 20 पॉइंट है मतलब। हाँ हाँ नहीं आज हाँ, उसके डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। वन। दिखाओ बेटा वन। पाकिस्तानी ड्रामों के नाम बताइए। टाइम नोट। पुराने बता दो भले आप। कुछ भी नहीं बता। चंदा। हाँ मेरे पास तो यार ये इसने बताया। यार देखो यार तो ये गलत है ना, ये तो क्या हो गया? टाइम जाया हो गया ना। ठीक है जीरो। क्या तुझे माफ किया? अपना नुकसान किया ना। ठीक है
दो माइनस हो गए, कौन से माइनस? आपकी बारी, आपकी बारी। टू टू ओलंपिक्स में खेले जाने वाले खेलों के नाम। हॉकी, हॉकी, स्क्वॉश, टेनिस, टेनिस, स्विमिंग, हाँ, साइकिलिंग, साइकिलिंग, पांच वेरी गुड, बहुत बहुत टेनिस, टेनिस। थ्री आपको मिलेगा, आमिर दिखाओ बेटा थ्री। बॉलीवुड अदाकारों के नाम बताइए। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अफ्ताब, शाहिद कपूर, शाहिद, आफ्ताब बहुत मुश्किल से किसी को याद होगा आफ्ताब का नाम। अच्छा भाई वक्त आ चुका है, इमरान हाशमी का नाम ही नहीं था। तमन्ना भटका भी तो नहीं लिया इन्होंने, अदाकारों के नाम है वो भी अदाकार है। दिखाओ भाई इसमें आ रहे खाके, दिखाओ बेटा खाके। हाँ जी, आई थिंक रिजवान, आई थिंक रिजवान कोई चैलेंज कर रहे, लॉक कर दिया जाए। दिखाओ बेटा मोहम्मद रिजवान प्लस वेल प्लेड आमिर। अगला खाका, ओ ये कौन है, किसने बताया पहले, पीछे से बताओ। आमिर ने, इमरान नजीर, इमरान नजीर कोई चैलेंज कर रहा है इसको, इमरान नजीर, रजाक भाई चैलेंज दिखाओ बेटा। और इमरान नजीर प्लस कोई हो यार, बताया हुआ है, डेथ ओवर का एक और सवाल बाकी है, डेथ ओवर का सवाल दिखाओ चार ऑप्शंस के साथ। किस पाकिस्तानी अदाकार ने नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरियल हुमायूं सईद कोई चैलेंज कर रहे हैं, नंबर बढ़ाएं, हुमायूं सईद डॉक्टर का कोई रोल कर रहा था मैंने देखा है थोड़ा सा, ठीक है जवाब दे देंगे ब्रेक के बाद, देख लीजिए आप जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome back to Anna Manai, presented by Ideas by Gul Ahmed and Sunsilk. वक्त आ चुका है इस सवाल के सही जवाब के देखने का। किस पाकिस्तानी अदाकार ने नेटफ्लिक्स के ड्रामा सीरियल क्राउन में काम किया, आमिर ने कहा हुमायूं सईद, देखते सही जवाब हुमायूं सईद इज़राइल साहब प्लस 20। अब वक्त आ चुका है आज के विनर को देखने का, देखते हैं आज का विनर कौन है, दिखाइए भाई। मोहम्मद आमिर 240 पॉइंट दुनिया भर से लोगों ने हमें सवाल भेजे, देखते हैं पहला सवाल क्या है, लिखते हैं ब्रेक प्लीज, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन टू द पैनलिस्ट बाबर की क्या है, कलाइयों में जान क्यों नहीं है, रिश्ती नहीं है क्या बाबर, रजाक भाई आपको पता है कलाइयों में जान क्यों नहीं है, नहीं वो तो रिश्ती प्लेयर तो है, मुबारक हो इंडिया वालों को तीन न्यू बॉलर मिल गए। हाँ यार सभी ने बॉलिंग कराई अच्छी अच्छी, स्काई ने भी, विराट ने भी, गिल ने भी, ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करते हैं, उनको पता है कि आज के मैच में नथिंग टू लूज है, फखर भी कराते हैं ऑफ स्पिन वगैरह तो चाहिए, ताकि इनको ये इन्होंने इसलिए किया कि सेमीफाइनल में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो इससे एक दो ओवर निकलवा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला दिखाइए, ताबिश हाशमी भाई आपका शो का नाम ना हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम ही होगी जो हार ही नहीं रही, 9-0 यह हो चुका है वर्ल्ड कप में हमारा स्कोर, बल्कि इनका स्कोर है। रोहित कहीं आपके शो से तो नहीं इंस्पायर हो गए, हारना मना है हमने कहा था यार, ये देखिए इंडिया ने हमारे को, हमें सीरियस ले लिया रजाक भाई, अपनी टीम के लिए हम क्या नाम रखें शो का, हारना मना है ये तो नाम है हमारा, हाँ जी, लेकिन ये तो इंडिया वाले जीत गए ना हमारी वजह से, हमारी टीम ने तो उल्टा पकड़ लिया इसका मतलब, लेकिन खेलना मना है, खेलना मना बहुत अच्छी बात, हमारी फीलिंग से खेलना मना है। यस, अगला देखो सचिन जयसवाल लिखते हैं, व्हाट एडवाइस यू ऑल विल गिव अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल मैच versus New Zealand, question to the panel, do you think Indian team has any open boxes which are not checked in the World Cup? Good question. Aamir, आपसे start करूंगा, अगर Indian team को advice देनी। I think उनको ज़रूरत नहीं, the way they are playing, I think it's all good. And अब जैसे रिजी भाई ने starting में भी बोला है कि मतलब वो
हर शोबे में परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्पिन बॉलिंग उनकी परफॉर्म कर रही है, फास्ट बॉलिंग उनकी परफॉर्म कर रही है, टॉप फोर उनके परफॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा शोबा है जो फील्डिंग उनकी वैसी तगड़ी है? तो ऑल बॉक्स, ये जो इसका सवाल है ना, खेल लगाओ कैप्टन नहीं हुए अभी तक, किसी ने उन पे अटैक नहीं किया। हाँ, बॉलर एक तो अच्छे हैं वो, अंडर प्रेशर नहीं आया अभी, लेकिन किसी ने उन पे अटैक नहीं किया, अग्रेसिव नहीं। बैटिंग में एक दो आउट हो जाते हैं ना, विराट संभाल लेता है, केएल संभाल लेता है, बुमराह को अभी तक किसी ने ऊपर से अटैक नहीं किया। और अगर समझे सपोज 10 ओवर 80 लगे हो या 20 ओवर में 130 लगे, फिर देखेंगे कुलदीप और जडेजा कैसी बॉलिंग करते हैं, किसी ने भी अटैक नहीं किया। ये तो न्यूजीलैंड को हो गई कि भाई अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी तो हो सकता है कि इंडियन बॉलिंग क्रैक करे। अगला क्या है? हिमांशु चौधरी लिखते हैं, ताबिश हाशमी, मेरा क्वेश्चन आमिर भाई से, आपको विराट कोहली की बॉलिंग सही लगी या शादाब खान की वर्ल्ड कप में? और सभी को हैप्पी दिवाली भाई। हाँ, इंडिया में आज दिवाली है और हमारे तमाम ही देखने वालों को, और पाकिस्तान में जो जो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। हाँ, तो भाई ऐसा है कि विराट और शादाब, अगर आपको बॉलिंग करनी हो तो किसको देंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शादाब हमारा मैच विनर रह चुका है, फॉर्म डिप होती है, ऊपर नीचे होती है, इतना भी बुरा नहीं है कि विराट से कंपेयर करें बॉलिंग में, नहीं ऐसी विराट को बैटिंग तक ही रहने, बैटिंग तक ही रहने, इतनी भी नहीं करनी हमने। हाँ, आज के आर मना के वक्त ही खत्म को पहुंचता है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, ऑलवेज।